पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हो गया। शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे बीकानेर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। करीब दर्जन भर डिब्बे के नुकसान होने की सूचना सामने आ रही है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों के मौत की सूचना सामने आ रही है, वहीं 250 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। इस वक्त राहत कार्य जारी है। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस व जिला के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। बता दें कि ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से चलकर जयपुर फिर उत्तर प्रदेश के रास्ते पटना पहुंचती है। पटना से ये ट्रेन बरौनी व कटिहार तक किशनगंज होते हुए गुवाहाटी तक जाती है, लेकिन गुवाहाटी से पहुंचने से पहले ही ये ट्रेन जलपाईगुड़ी में हादसे का शिकार हो गई। जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर रेल मंत्री से जानकारी ली और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से जख्मियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। रेल मंत्री भी शुक्रवार सुबह दिल्ली से घटनास्थल के लिए रवाना होंगे।